सिक्योरिटी की सिस्टम्स की इन लोगों को पड़ेगी। ये लोग सिक्योरिटी और सिस्टम्स बनाना चाहते हैं नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बट टू टेक द एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग। ये चाहते हैं कि डोमिनेशन हमारा बना रहे। सो यहाँ पर जो लीगल सिस्टम्स हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं, जितने भी सारे सिस्टम हैं, ये सब क्या हैं? डोमिनेटेड किससे हैं? ये इकोनॉमिकल वैल्यू से डोमिनेटेड है। तो ये कहते हैं कि जो बेस है उसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर है, और ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिकली डोमिनेटेड है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर का जो बेस है वो क्या है? वो सारे सिस्टम्स हैं जो सोसाइटी के अंदर चलते हैं। हाँ जी, बैंथम से? नो, बैंथम से इन्फ्लुएंस नहीं थे। बैंथम की बात करेंगे जरूर, क्रिटिसिज्म जरूर होगी बैंथम की, यूटिलिटेरियन आइडियाज की क्रिटिसिज्म होगी, ठीक है। बैंथम को ऐसा कोई अप्रिशिएशन नहीं दे रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप पूरा कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे तो बैंथम का नाम जरूर आएगा, जेएस मिल का नाम जरूर आएगा पढ़ने को, पर यूटिलिटेरियन एक्सपेक्ट्स पे आता है क्योंकि वो यूटिलिज्म के अगेंस्ट नजर आते हैं। आइडियाज के गो थ्रू होने का मतलब ये नहीं फॉलो कर रहे हो। आई कैन गो थ्रू विद द आइडियाज ऑफ ओसामा बिन लादेन बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा था, ठीक है। सो बैंथम को अगर क्रिटिसाइज करना है तो पहले बैंथम को समझना पड़ेगा ना। जब तक आप बैंथम को जानते ही नहीं तो आप थ्योरी को क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो? सो बैंथम ने और मिल ने यूटिलिटेरियन एक्सपेक्ट्स को बढ़ा दिया था। यूटिलिटेरियन जो है वो कैपिटलिस्ट तो यूटिलिटेरियन ही होते हैं पूरी तरह से, तो इन शॉर्ट वो कैपिटलिज्म को प्रबल करवा रहे थे ज़्यादा सोसाइटी में, कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट थे। तो ये दो आइडियाज जब रखते हैं, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का, तो सोसाइटी को इस तरह से समझाते हैं। अब सबाइन और वाइपर ने कहा कि पहली बात तो ये कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो है, जिसको आप दृढ़ात्मक भौतिकवाद कहते हो, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स ने कमियां छोड़ी हैं उसके अंदर बहुत सारी। और मार्क्स और एंजल्स दोनों ही बात करते हैं, और एंजल्स और मार्क्स दोनों ही या तो साथ में राइटिंग करते हैं या अलग अलग करते हैं। और थिंकर्स जब इनको पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि दोनों ही थिंकर्स ने अपनी राइटिंग्स को बीच बीच में अटका दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मिसिंग थे। अब अगर हम दास कैपिटल की बात करें और कोई दास कैपिटल को पढ़े तो उसको क्लियरली समझ में आएगा कि बहुत सारी क्लासेस गायब हैं। प्लेटो एरिस्टोटल पागल तो नहीं थे ना कि हर क्लास को जगह दे रहे थे? आपके सोसाइटी में तो कोई क्लास ही नहीं है। अगर क्लास स्ट्रगल है तो गरीब हो गया और अमीर हो गया, बीच वाली क्लासेस कहाँ गई? दुनिया में सबसे ज़्यादा है मिडिल क्लास, ठीक है। आपने उस पूरी क्लास को इग्नोर कर दिया, ठीक है, साथ ही आपने सोसाइटी की सारी डेवलपमेंट मॉडल को हटा दिया। आपने क्या बोल दिया कि सारा मॉडल क्या है? मोड ऑफ एक्सप्लोटेशन है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जस्टिस वस्टिस कोई नहीं है, ये सब और सिर्फ कैपिटलिस्ट का ही है, ठीक है। तो थिंकर्स ने कहा कि अगर कैपिटलिस्ट ही ये सब कर रहे हैं और उन्हीं का इन सब बातों पर फोकस है तो उनको जरूरत ही क्या थी बनाने की? वो तो बिना सिस्टम के भी लीड कर रहे थे। भाई हॉब्स क्या कहते हैं? माइटी इज राइट, ठीक है। तो मुझे अगर किसी को लीड करना है तो मुझे उसके लिए कानून बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, तो उसकी नीड ही क्या थी? और अगर आप जातीय संघर्ष करवाना चाहते हो, अगर आप वर्ग से लड़वाना चाहते हो, क्लास स्ट्रगल कराना चाहते हो विद दी रेवोल्यूशनरी आइडियाज, तो रेवोल्यूशन जिस किसी को क्रिएट करेंगे वो क्या है? क्या बनाएंगे रेवोल्यूशन से? अनार्किज्म को क्रिएट कर दोगे, अराजकतावादी सोसाइटी बन जाएगी। और फिर उस सोसाइटी में इस बात की क्या श्योरिटी है कि कोई इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं होगा, ठीक है। तो सबाइन वगैरह इन सब आइडियाज को काट देते हैं। प्लेमेंस कहते हैं, और सबसे पहले प्लेमेंस से पहले हॉलवेल बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं हम उनको एक थिंकर मान के, दार्शनिक मान के ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते, बिकॉज कार्ल मार्क्स के बारे में सभी ये जानते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो उनके जितने भी आइडियाज़ वो दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का एक रिजल्ट है, जो कि सबाइन और वाइपर भी बोल रहे हैं। तो हॉलवेल कहते हैं कि ना ही वो मुझे एक चिंतक नज़र आते हैं, ना ही वो थिंकर नज़र आते हैं मुझे, और ना ही कार्ल मार्क्स कोई बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स ये दोनों तरह की चीज़ों की बात नहीं करते, तो उनके सारे आइडियाज जो हैं उन्होंने हुगेल से उठा रखे हैं। अब नो डाउट कार्ल मार्क्स ने काम तो किया था, हेगेलियनिज्म प्रिंसिपल्स को उठा के एज इट इज फेल दिया था। और बड़ी सिंपल सी थ्योरी होती है, आप किसी भी एक चीज़ को उठाओ, उन आइडियाज के ऊपर वाद पे प्रतिवाद कर दो,
तो कार्ल मार्क्स ने वही काम किया था। तो हॉलवेल उनकी बातों को कहते हैं कि मैं इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकता, और कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो सोसाइटिकल इंटरप्रिटेशन है उसको मानना कोई ज़रूरी बात नहीं है। प्लेमिंस जब आते हैं तो प्लेमिंस कहते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है, रचनात्मक भौतिकवाद, ये एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है। जो कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री के बारे में लिखा तो उन्होंने इकोनॉमिकल बेस पे इसको लिखा। अब क्योंकि उनके थिंकर्स को ये बात प्रूव करनी थी कि ये बातें ठीक हैं, तो आपने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो वो लोग जो कार्ल मार्क्स को समझना चाहते हैं और मानना चाहते हैं उनको सही, उनके लिए ये थ्योरी था ठीक है, अदरवाइज ये थ्योरी किसी काम की नहीं है। दृढ़ात्मक पद्धति चल रही थी और प्लेटो की दृढ़ात्मक पद्धति नॉलेज को बढ़ाना चाहती थी। सो नॉलेज के आगे जो हर्डल हो सकते हैं वो दृढ़ात्मक से उसको हटाते थे। ठीक है, हाँ, आपको साइंस भी मिल रही थी और आपको फिलोसफी भी मिल रही थी। हीगल ने जब दृढ़ात्मक पद्धति को अपनाया, ठीक है, तो उसके सोर्स सिर्फ प्लेटो नहीं थे, सोक्रेट्स भी थे, दोनों से अपनाया। ठीक है, तो हीगल ने इंटरप्रटेशन की उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, और वही थेसिस एंटी थेसिस वाले सिद्धांत दिए, और हीगल के समय में जो जो सिस्टम हुआ करते थे उन्होंने सब उसमें एड ऑन कर दिए। ठीक है, अब जब कार्ल मार्क्स आए तो कार्ल मार्क्स ने हेगेलियन कॉन्सेप्ट्स को उठा तो लिया, ठीक है, बट कार्ल मार्क्स इस थेसिस एंटी थेसिस सिंथेसिस इन बातों पे कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दृढ़ात्मक की सही पद्धति थी, दिस इज द ओनली वे टू अचीव डायलेक्टिकल्स, कि आप थेसिस सिंथेसिस एंटी थेसिस ये सब चीज़ें डिस्कस करो। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स डिस्कस नहीं करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स डायलेक्टिकल्स बोल के हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं इकोनॉमिकल चेंजेस। डायलेक्टिकल्स का मेन मतलब क्या है, आप इतिहास का इस्तेमाल करो फैक्ट्स के साथ बातों को समझाने के लिए, दिस इज डायलेक्टिकल्स इन सिंपल टर्म। कार्ल मार्क्स ने ये करा, पर कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल बिल्कुल अलग था। उन्होंने इतिहास को तो उठा दिया, पर उनका इतिहास कॉमन स्ट्रगल की जगह क्लास स्ट्रगल बन गया। मटेरियलिज्म ये है कि एक सेकेंड, अमीरी गरीबी कैसे है ह्यूमन सोसाइटी में, एक इंसान को 100 करोड़ दिए गए और बोला गया जी कुछ करो, उसने कहा जी मैं दान दे रहा हूँ अमेजन के जंगल को बचा लो, ठीक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक छोटी झोपड़ी दे देना उस घर जंगल में। एक ने कहा जी मैं आइलैंड खरीदूंगा, उस पर फरारी होगी, एक प्राइवेट जहाज होगा अपना, बड़ा सा बंगला होगा, ठीक है, ये सब होगा। जिस इंसान ने बंगला गाड़ी सब चीज़ें चुनी ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है। मटेरियल को आप पसंद करते हो, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा था स्वामित्व इसलिए गलत है क्योंकि करोड़पति नहीं है। देर इज अ लॉबी इन द कंट्री जो बोलती है कि हथियार वो लोग उठाते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जो परेशान है वो हथियार उठाते हैं, ठीक है ना। तो वो इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव से, मटेरियलिस्टिक परस्पेक्टिव से करंट सिचुएशन को जोड़ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि पैसा नहीं था इन लोगों के पास, इनको जस्टिस इसलिए नहीं मिला क्योंकि पैसा नहीं था, ये प्रॉब्लम में इसलिए है क्योंकि पैसा नहीं था, लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी गई क्योंकि पैसा नहीं था। कार्ल मार्क्स नहीं तो पैसा किया उसको, बिल्कुल। नक्सलिज्म की भी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो नक्सलवाद का स्टार्टिंग का 20 सालों का 30 सालों का इतिहास उठाना, नक्सली सिर्फ और सिर्फ बचाव में हमला करते थे, ठीक है, वो ऐसे जाके गांवों को लूटना, घरों को लूटना। आज के नक्सली तो हर नेगेटिव पॉजिटिव काम करते हैं, स्कूल तोड़ते हैं, बम लगा के उड़ाते हैं, लोगों को मार देते हैं, धमकियां देते हैं एंड ऑल। जिस एरिया में प्रभावित है वहां पे आप वोटिंग नहीं कर सकते, धमकियां दे देते हैं। देयर इज अ मूवी कॉल्ड न्यूटन, देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। सो व्हाट ही सेड, कार्ल मार्क्स ने सिंपल सा एक फॉर्मूला रखा। अच्छा चलिए एक बात करते हैं, हंसी मजाक की बात है, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सबकी स्टोरियों के बारे में हमने सुना है ना, हंसी मजाक में सब स्टोरियों में एक चीज कॉमन थी, एक अमीर था और एक गरीब था, ठीक है ना। तो अब पांडवों की स्टोरी ले लो, महाभारत की, दुर्योधन, आर्मी थी, शासन था, 5 गांव नहीं दिए उसने, उसने कहा मैं लड़ दूंगा, खून खराबा कर दूंगा। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, प्रोलेटरेट को क्या कहा, लड़ो जाके। फिर अपना दो प्रस्पेक्टिव है मार्क्स को समझने के,
और किसी इंसान ने बड़ा अच्छा कहा है, किसने कहा है मुझे याद नहीं, उसने कहा है कि जिसकी जैसी कंडीशन होगी वो उसी तरह से चीज़ों को समझेगा, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स ने जो कहा, मैं उसको अंबेडकर जी से इसलिए कंपेयर करके समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप जब अंबेडकर जी को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे विचार बड़े सिमिलर से नज़र आएंगे, और नो डाउट अंबेडकर जी को बहुत नॉलेज थी, तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, बात भी की उनके बारे में। अब रिलीजन का दोष तो मैकियावेली ने निकालना शुरू कर दिया था और वो बात तक निकलता ही रहा। अब ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो आइडियोलॉजीज हैं, ये सब रियलिटी से भटका देती हैं आपको, आप सच को नहीं देखना चाहते, आप अफवाहों पे विश्वास करते हो, और रिलीजन तो अफीम की तरह है, जिसको उसका नशा हो जाए वो तो फिर दीन दुनिया छोड़ के राधे राधे बोल के निकल जाता रोड पे, ठीक है। सो ये कहते हैं इंटेलेक्चुअल लॉबी, हम जिनको इंटेलेक्चुअल समझते हैं, दिमाग वाला समझते हैं, वो हमें गलत राह दिखा देते हैं। अब ना भारत में जब बात होती है आरक्षण की ना, तो आई पर्सनली अटेंड लॉट ऑफ डिबेट्स ऑन आरक्षण रिजर्वेशन, ठीक है। तो सारी डिबेट्स पे एक बात निकल के आती है कि आरक्षण का पर्पस क्या है, क्यों दिया जाना चाहिए? क्या आरक्षण का पर्पस ये है कि आप एक कम्युनिटी को या कोई ऐसा रिसोर्स हो जो डिजर्व नहीं करती, ठीक है। तो इस पे बहस छिड़ती है। तो अंबेडकर जी ने अपने समय में बोला था कि आरक्षण को मैं सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ कि वो लोग जो बहुत कम मार्जिन से उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं गेन कर पाते, उनको इस अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ना अंबेडकर जी ने शायद एक बात नहीं बोली, या मैंने नहीं पढ़ी, उन्होंने बोली होगी साइकोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है। एक ऐसा परिवार जो अपने बच्चे को बचपन से बोल रहा है पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, और एक ऐसा परिवार जहाँ पे कोई एजुकेटेड नहीं है, किसी को एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, वो अपने बच्चे को प्रोवोक नहीं करेगा। तो ऐसे परिवार से अगर कोई बच्चा निकलता है, या ऐसी कम्युनिटी से कोई बच्चा निकलता है और वो अपने एकेडमिक्स में 40 या 45% तक पहुंचता है, तो वो किसी बहुत स्टैब्लिश फैमिली से आए बच्चे के 90% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आरक्षण वैलिड है। तो अम्बेडकर जी ये 45% वाले को ना मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे, कि ये एक पढ़ लेगा तो बाकियों को सपोर्ट करेगा, नॉलेज फिर इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मार्क्स जब ये आइडियाज देते हैं, तो जस्ट इमेजिन करो कि वो लोग उस टाइम पे जो इकोनॉमिकली पुअर थे, उनको कैसा लगा होगा सुन के, यार ये बड़ी सही बात कह रहे हैं, मैं तो मंदिर की पूजा कर रहा हूँ, मैं तो उसकी पूजा कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ। अब इस चीज के ना फायदे भी हुए सोसाइटी को और नुकसान भी हुए। जब अम्बेडकर जी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, तो कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए कि भाई भारत तो पहले ही 1905 के विभाजन के बाद दो हिस्सों में बट गया था, और जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी वो टूट गई थी, आप अब रिलीजन में भी चीज़ों को एड ऑन कर रहे हो, तो ये स्ट्रगल फिर टूटेगी, और नो डाउट वो टूटी भी, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि इस भारत को आज़ाद कराएं, और आज़ाद हो भी गया तो आज़ाद किसके लिए होगा, हम तो ओप्रेस ही रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस आज़ादी में हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो नो डाउट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अमेजिंग था पूरे हमारी स्ट्रगल के अंदर। सो इस चीज़ के इफेक्ट साइकोलॉजिकली बहुत होते हैं। तो मार्क्स ने जब ये बातें की, तो दुनिया में और उस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको अपनी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल सिचुएशन से ये चीज़ें बहुत मैचअप नज़र आई, तो लोगों ने उनको एकदम से ही बहुत कम टाइम के अंदर हाइप पे उठा के रख दिया। क्लियर? इस समय भारत की इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल रुख है एंड इट्स लाइक क्वाइट टेंस सिचुएशन, जिस तरह से चेंजेस हो रही हैं। आई विल सजेस्ट यू वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, जब इकोनॉमी के साथ बड़े प्रॉब्लम्स होती है ना, और पूरी दुनिया ने इकोनॉमिकल इश्यूज देखे हैं इस तरह के, जब इकोनॉमी इस तरह से प्रॉब्लमेटिकली चल रही होती है, तो एक काम आप लोगों को जरूर करना चाहिए, अपना 100% कैपिटल बैंकों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तो अगर सरकार डूबेगी तो सबसे पहले क्या डूबेगा, बैंक डूबेंगे। तो इतना घर में रखो कि 5 6 महीने साल जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो भारत में बहुत बूमिंग और ग्रोइंग सेक्टर था, लगभग मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स जो हैं वो डिक्लाइंस पे आ रहे हैं। मैं मनमोहन सिंह जी की स्पीच सुन रहा था अब, ही माइट राइट और माइट रॉन्ग, कि डिमोनेटाइजेशन से अभी तक भारत बाहर नहीं आ पाया, प्लस जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, एंड मैं भरता हूँ तो मुझे पता है कि कितना डिफरेंसेस आया पहले से अब में, ठीक
तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो उससे ओवरकम नहीं कर पाई। तो नो डाउट इकोनॉमी बहुत चरमराते उस पे अभी। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो भी कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट बढ़े और प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है वो घटे। तो क्या होगा, अभी मेजर जॉब लॉस होने वाला है। पार्ले 10,000 कर्मचारियों को निकालने वाला है, निकाल चुका है या निकालने वाला है, निकाल दिया। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। और इंडियन इकोनॉमी में के आने के बहुत रीजन भी हो सकते हैं। आप लोग पिछले सारे जितने भी दुनिया में उतार आए थे उसमें आप खड़े रहे थे। इस बार भारत के डूबने की एक बड़ी वजह भी हो सकती है कि मैं न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करता हूँ। अभी मैं परसों तरसों पढ़ रहा था कि भारत में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो बहुत मेजरली बढ़े हैं। आप पैसे को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने लगे हो। पहले सेविंग मोड ज़्यादा रहता था, ठीक है, पहले आप नीड से काम करते थे, अब आप ग्रीड से काम करते हो। बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदना, लोन पे लोन लेना, क्रेडिट्स कार्ड, ऑल ऑल फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो उन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है जो पिछले 10-15 सालों में इंडिया ने गेन किया है, ठीक है। तो वो एक मेजर इशू हो सकता है कि लोगों के पास जो जोड़ा हुआ पैसा था वो नहीं है। कार्ल मार्क्स जो बात बोलेंगे ना, गांधी जी सेम बात बोलेंगे जब भारत में आके बात करेंगे। तो गांधी जी अपने टाइम में बहुत अगेंस्ट थे मॉडर्नाइजेशन, जबकि नेहरू मॉडर्नाइजेशन को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए भारत में, बड़े उद्योग लगे, हैवी इंडस्ट्रीज आए। गांधी जी कहते थे कि भारत की स्थिति देख लो पहले, भारत एग्रीग्रेन कम्युनिटी है, लोग खेतों में लगे हुए हैं, एक ट्रैक्टर 10 लोगों का काम छीन लेगा, ठीक है। नो डाउट एग्रीकल्चर या जो भी मशीनरी इंट्रोड्यूस होगी वो लोगों के काम छीनेगी। तो जिन लोगों के पास काम रह जाएगा वो प्रेशर में होंगे हमारे काम जाने का भी। तो ऐसे में उनकी वेजेस जो हैं, सैलरीज जो हैं, वो रिड्यूस होंगी प्रॉफिट गेन करने के लिए, और मजबूरी में उनको काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो कैसी हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। अगर आपको कोई पुराना इंजीनियर मिले ना जिसने 1980 में इंजीनियरिंग करी हो, तो उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखना, ठीक है। और कोई इंजीनियर ढूंढना जिसने 2010 में इंजीनियरिंग करी हो, विद द सेम कॉलेज, विद द सेम रैंक, विद द सेम नंबर, क्या हुआ, मशीनरीज आ गई, सब चीज़ आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, आउटसोर्सिंग आ गई, तो ज़रूरतें ख़त्म हो गई। मैंने 13,000 में भी इंजीनियर्स को काम करते देखा है, ठीक है, 13,000 मंथली में। और वो इंजीनियर जो अपनी एजुकेशन को पूरा करने में 18-18, 20-20 लाख लगा के आए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने एक बार एक एविएशन इंजीनियर को देखा था जो कि इंडिया से बाहर से पढ़ के आया था, और इंडिया में वो कॉल सेंटर में काम कर रहा था। कैन यू इमेजिन, दिस इज बिकॉज ऑफ कि टेक्नोलॉजीज इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि सारे के सारे काम अब मशीनें करने लगी। इफ यू गो टू जापान, देर इज अ सिटी कॉल्ड क्योटो। आप क्योटो पे जाओगे तो अलग ही दुनिया नजर आएगी। कैपिटलिज्म जो है, ओके, मार्क्स ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म को सिर्फ गाली दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने भयंकर क्रिटिसाइज कर दिया है और वो कैपिटलिस्ट को बिल्कुल दानव बना रहे हैं। बट मार्क्स इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मैं इतना कह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म जो है, क्योंकि वो प्रॉफिट गेन का सिस्टम है, तो ये प्रॉफिट गेन स्टार्ट होता है बेसिक से और एक टाइम पे आके एक्सप्लोटेशन बन जाता है। और एक्सप्लोटेशन इस सेंस में बनता है कि कैपिटलिस्ट हमेशा ये चाहते हैं कि जो उनके वर्कर हैं वो हमेशा वर्कर रहे, वो कभी भी खुद से कुछ ना कर पाए। क्योंकि तो अगर आप उनको इतना पे कर दोगे कि वो खा भी लें और बचा भी लें, तो आगे चल के वो कभी भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अमेजन के जो मालिक हैं या फिर फ्लिपकार्ट का जो मालिक है, ते मतलब दो स्टार्टेड फ्लिपकार्ट, दोनों बंसल्स, दे बिलोंग, मतलब अमेजन में काम करके आए थे 20 साल, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको इनफ मिला इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ वेजेस। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थे, कोई परेशानी नहीं थी, खाली भी बैठते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उठा के फ्लिपकार्ट को लॉन्च कर दिया भारत में। तो कैपिटलिस्ट कहते हैं कि उतना दो जितने में जाके पेट भर ले, अपना खा ले, सर्वाइव कर ले इकोनॉमिकली, उतना मत दो कि इकोनॉमिकली लिबर्टी ले ले, फ्री हो जाए।